खरगोन शहर के राधा वल्लभ मार्केट में बीती रात एक अज्ञात चोर ने एटीएम में तोड़फोड़ कर लूटने का असफल प्रयास किया। हालांकि एसबीआई के एटीएम में घुसकर रुपये निकालने में चोर नाकाम रहा। एटीएम के अंदर जाते और एटीएम का शटर बंद करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जब पुलिस एटीएम के अंदर के फुटेज तलाश रही थी तो पुलिस ने एटीएम संचालित करने वाली कंपनी को तलब किया। कोरोना संक्रमण के चलते रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का फायदा उठा के चोरों ने कोशिश की। हालांकि तोड़फोड़ के बावजूद चोर एटीएम खोलने में नाकाम रहे। पूरे मामले में बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही। रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद भी एटीएम में गार्ड मौजूद नहीं था। रेकी करने वाले चोरों ने मुख्य बाजार में एटीएम के गार्ड नहीं रहने का फायदा उठाने की कोशिश की। कोतवाली टीआई जगदीश गोयल ने बताया कि अज्ञात चोरों ने एटीएम में तोड़फोड़ कर लूटने का प्रयास किया है लेकिन असफल रहे। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। ये रात में कोई अज्ञात ने करीब 11:30 बजे के आसपास में एटीएम में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है और इसकी छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। तो सीसीटीवी फुटेज में कुछ है? सीसीटीवी फुटेज तो इनके संबंध में बात की है, तब इनके नोडल अफसर बोल रहे हैं कि शाम तक पहुँचेंगे, तो जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं पता चल जाते तब तक वो क्या बताएंगे कि क्या हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।